नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी की प्री प्लस मेंस के लिए स्पेशल जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हम इसको कवर कर रहे हैं। जितने भी स्पेशल आयोग हैं और अभी तक हमने काफ़ी कमीशंस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और क्या ये आयोग कब बना था, क्या ये करता है और इसकी संरचना किस प्रकार थी, ये भी हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अक्सर मेरे जितने भी मित्रगण साथीगण हैं उनसे अगर कोई भी व्यक्ति जो है ये पूछता है कि बेटा अभी आप क्या कर रहे हैं, तो वो यही उत्तर देता है कि अभी हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसे भी डिस्कस करेंगे कि आखिर कंपटीशन क्या है और कंपटीशन होता क्या है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को पीएससी अड्डा के साथ जारी रखिए। और जैसा कि मैं आपके लिए डेली मोटिवेशनल थॉट लेकर आता हूँ जिससे आपकी जो तैयारी है वो और बूस्टअप हो सके, बेहतरीन हो सके। तो दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो ये है कि सफल और असफल दोनों विद्यार्थियों के पास एक दिन में 24 घंटे का वक्त होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं या फिर वो सफल होते हैं तो उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, और जो असफल होते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। बस फर्क इतना है कि आप उन दिनों में जो 24 घंटे दिए जाते हैं वो आप किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करते हैं उनका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, इस बात को आप गहराई से समझिए और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम जानते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ये स्पेशली हम अभी पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, परंतु ये आपके लिए दो तरफा बेनिफिट के रूप में है क्योंकि ये इकोनॉमिक से भी रिलेटेड करता है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है उससे भी संबंधित है, और इसमें जब इसको आयोग संवैधानिक रूप से बनाया गया है तो ये पॉलिटी से भी संबंधित है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कि प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, यानी कि कंपटीशन का यहाँ पर मीनिंग हम जो है क्या समझे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इकोनॉमिक के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका क्या अर्थ होता है। यहाँ पर मैं आपको इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि दोस्तों, अभी जैसे कि आम का सीजन चल रहा है, तो अगर आप जाते हैं मार्केट में और आम खरीदने के लिए, तो वहां पर अगर आम के बेचने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, यानी कि एक ठेले पर जो है एक व्यक्ति आम बेच रहा है, और आपने उससे पूछा कि भाई आम कितने में दिए, तो उसने बताया कि आम जो है 200 रुपये किलो जो है हमें चल रहे हैं, उसका भाव जो है उसने 200 रुपये किलो बताया। अब दोस्तों, आप ये समझिए कि अगर मार्केट में एक ही व्यक्ति है और वह आम बेच रहा है, तो आपकी वहां पर एक मजबूरी उत्पन्न होगी कि अब मुझे 200 रुपये में ही जो है उसे आम को खरीदना होगा। परंतु यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर उस मार्केट में एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, चाहे वहां पर 10 या 20 व्यक्ति आसपास ही जो है उस मार्केट में आम के और भी ठेले होते हैं, और भी व्यक्ति जो है उसी आम का जो व्यापार करते हैं, तो आप उस ठेले पर जो बताया गया 200 रुपये का दाम है, तो उसी के पास वाला व्यक्ति उससे कम बताता, चाहे वो 180 हो या 150, या फिर वो धीरे धीरे कर कर जो है जो कंपटीशन है यानी कि प्रतिस्पर्धा, एक से अधिक जब व्यक्ति होंगे तो वो अपना जो माल है वो बेचने के लिए जो भाव को है वो कम रूप में जो है उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो है आप जितने भी प्रयास है वो करते हैं, और इस रूप में आप देखेंगे कि जो आम का भाव है वो 50 रुपये या 60 रुपये किलो तक जो है पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, यानी कि उसका जो महंगाई भी कंट्रोल में रहती है इससे, और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो उपभोक्ता तक गुणवत्तापूर्ण जो है वस्तु पहुंचेगी। क्योंकि अगर जैसे कि एक व्यक्ति ने भाव ज्यादा बताया तो दूसरा उससे कम बताता है, तो तीसरा जो है उसमें ये कहता है कि देखिए मेरी जो है वस्तु वो कितनी अच्छी है, गुणवत्तापूर्ण है, तो वहां पर जो उपभोक्ता रहता है उसे भी इस प्रतिस्पर्धा का लाभ होता है। तो दोस्तों, ये तो एग्जाम्पल हो गया इकोनॉमिक के परिप्रेक्ष्य में, और हम जो है इसी रूप में समझेंगे। परंतु हम और आप जैसे इजी रूप में इसको समझाने के लिए मैं आपका उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ एक और। जैसे कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो इस कंपटीशन में जो प्रतिस्पर्धा है इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल
अगर अभी वर्तमान में भी जो नौकरियां हैं, अगर 1,000 पदों पर कोई वैकेंसी निकलती है और वहां पर जो उम्मीदवार हैं, जो उस कंपटीशन में यानी कि जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी जो कैंडिडेट हैं उसकी भी संख्या 1,000 है, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो चाहे पढ़े या ना पढ़े फिर भी उन 1,000 व्यक्तियों का उन 1,000 पोस्ट के लिए चुनाव होना जो है निश्चित है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि चुनाव में भी अगर कोई सामने उम्मीदवार नहीं होता है यानी कि उनके जो है अपोजिट पार्टी में कोई खड़ा नहीं होता है, तो वहां पर भी वह व्यक्ति निर्विरोध जो है चुन लिया जाता है। उसी प्रकार से जब आप अगर कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं और वहां पर वैकेंसी जितनी है उतने ही व्यक्ति हैं तो वो इजिली सिलेक्ट हो जाते हैं। परंतु अगर वहां पर आप देखेंगे अभी की जो वर्तमान कंडीशन है तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ 1,000 पे पोस्ट निकलती हैं, वैकेंसी निकलती हैं, परंतु वहां पर आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों जो बच्चे जो है फॉर्म जो है फिलअप करते हैं और एग्जाम को देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के माध्यम से जो बेहतर व्यक्ति होगा यानी कि बेहतर गुणवत्ता वाला, बेहतर समझ वाला, या हम कहें कि उस विषय में जो पारंगत होगा, जो बहुत मेहनत करके वहां पर सिलेक्ट होगा, तो एक जो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एक बेहतर व्यक्ति का चयन यहाँ पर हो सकेगा। तो इस कंपटीशन का अर्थ आप इस इजी वे में भी समझ सकते हैं और आप जो अर्थव्यवस्था के रूप से इसे आसानी से याद रखिए कि कंपटीशन से जो है अच्छे रूप में जो हम समझ सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा की वजह से एक तो गुणवत्तापूर्ण जो है वस्तु उपभोक्ता को मिलती है, साथ में अर्थव्यवस्था में महंगाई भी कंट्रोल में रहती है और इसके काफी जो है बेनिफिट होते हैं कंपटीशन के। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से कॉम्पिटिशन का मीनिंग आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आ गया है तो आप मुझे कमेंट में जो है इसका जवाब दीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है, कि आम आदमी तक किसी भी गुणवत्ता जो गुणात्मक जो है वस्तु या सेवा की बेहतर कीमत पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी कि बेहतर कीमत पर उसे जो उपभोक्ता है उसको अच्छी वस्तु जो है उपलब्ध हो, सुनिश्चित हो, इसी को हम बेहतर प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और इस बेहतर प्रतिस्पर्धा के इसी वृहत अर्थ को आत्मसात करते हुए वर्ष 2002 में संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 पारित किया गया और यह अधिनियम जो है 13 जनवरी 2003 को लागू किया गया। 2002 में दोस्तों ये एक्ट लाया गया था, प्रतिस्पर्धात्मक एक्ट, और 2003 में इसे लागू कर दिया गया भारत में। और जिसके बाद जो केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई का जो है गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये तारीख याद रखिए, 14 अक्टूबर 2003 को। फिर इसके बाद जो है ये बंद हो गया, परंतु इसने मई 2009 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, और भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है ये अर्ध न्यायिक सांविधिक संस्था है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितने भी एक्ट के माध्यम से बनेगी संस्थाएं आयोग कमीशन, तो वो एक सांविधिक संस्था होगी। और अर्ध न्यायिक का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि ये उस पर जो है जुर्माने लगा सकती हैं, किसी प्रकार से कोई एक्शन कार्यवाही कर सकती हैं, जैसे कि मैंने दीवानी न्यायालय के बारे में भी आपको बताया है बहुत बार। तो इस प्रकार से जो है इन्हें न्याय करने की शक्ति होती है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं होती, जैसे कि हमने जो अदालतें होती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार की इनको शक्तियां नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, फिर यह आयोग जो है कॉरपोरेट मामले जो मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों मुख्य पॉइंट यहां पर ये आता है कि एक एक्ट बना था 1969 में, एमआरटीपी। ठीक है दोस्तों, एमआरटीपी ये आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये मुख्य जो एक्ट है वो लाया गया था 1969 में। एमआरटीपी एक्ट क्या है वो भी आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि दोस्तों जब 1969 में एमआरटीपी एक्ट लाया गया था, ये क्यों लाया गया था कि जैसा कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है आम का, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो एकाधिकार अगर व्यापार में यानी कि मार्केट में हो जाता है तो उसकी वजह से काफी समस्याएं हो जाती है। जिस प्रकार से हम देखें कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होता है, वहां पर उन्हें अच्छी वस्तुएं नहीं मिल पाती, इस प्रकार से व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एमआरटीपी एक्ट 1969 में लाया गया था। अब मैं यहाँ पर इसका
चर्चा क्यों कर रहा हूँ वो इसलिए कि दोस्तों जब ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना दिया गया इस 2002 में एक्ट ला के, तो इसको लाने के बाद अब ये जो इकाई है यानी कि सीसीआई जो है ये भारत में एक विनियामक संस्था बन गई है। और इसके लिए जो एकाधिकार की हम बात कर रहे हैं, एकाधिकार को समाप्त करने की मार्केट में, उसके लिए ये अब एक रेगुलेटरी संस्था गठित कर दी गई इस एक्ट को, यानी कि 2003 में जो सीसीआई का एक्ट आया था, तो इसने अब एमआरटीपी एक्ट 1969 जो 69 में बना था उसको प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है, ये आप याद रखिए। तो सीसीआई जो एक्ट है अब ये क्या बन गया है, जो आयोग है कमीशन वो भारत में एक विनियामक संस्था है, रेगुलेटरी संस्था है, यानी कि जब कभी भी प्रतिस्पर्धा की बात आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था में तो वहां पर कौन कार्य करेगी, रेगुलेट करने का काम है, तो वो इस आयोग का कार्य है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें एक संशोधन किया गया था 2007 में, प्रतिस्पर्धा एक्ट जो 2002 में लाया गया था उसमें 2007 में संशोधित कर नए नियमों के साथ अपडेट इसे कर दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर हम जाने कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है बनाने के इस आयोग को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने वाला जो एक्ट था एमआरटीपी एक्ट 1969, उसको प्रतिस्थापित करने में भी इसने मदद की है। तो ये मुख्य है कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना। अब ये प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किस प्रकार से पद्धतियां हो सकती हैं दोस्तों प्रतिस्पर्धा को, तो वहां पर आप समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 2012 में जो ये आयोग है इसने एक जुर्माना लगाया था जो 11 सीमेंट कंपनियां थी उस पर 6700 करोड़, यानी कि लगभग साढ़े जो 6000 करोड़ का जो जुर्माना इसने 11 सीमेंट जो कंपनियां थी यानी कि जिन्होंने अपना गुट बना लिया था उस पर जो है जुर्माना लगाया था। अब किस प्रकार से ये, तो दोस्तों ये समझिए कि जो 11 मैंने यहाँ पर बताया कि जो 11 कंपनियां थी सीमेंट वाली, उन्होंने क्या किया कि जो व्यापार को एकाधिकार बनाने के लिए यानी कि सबने एक गुट बना लिया था और सबने जो है एक भाव फिक्स कर दिए कि जैसे कि सीमेंट की बोरियां आती है मान लो कि 230 या लगभग 200 की, तो उसका एक रेट फिक्स कर दिया और उसको जब एक रेट फिक्स हो जाएगा तो व्यापार में उसी भाव में सीमेंट की बोरियां बिकेगी। तो इस प्रकार का मामला होता 2012 में। तो जब इन सीमेंट कंपनियों के बारे में इस आयोग को पता चला तो वहां पर इस आयोग ने एक्शन कार्यवाही करते हुए जो है इन सीमेंट कंपनियों पर 2012 में 6700 करोड़ का जुर्माना लगाया था। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियां, ये पद्धतियां इस प्रकार से हो सकती हैं जैसे कि गुट बना लिया या फिर किसी और प्रकार से जो व्यापार पर है एकाधिकार बनाने के वाली जो है परिस्थितियों को ये जन्म देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर उसको रोकने का प्रयास जो है ये करते हैं, ये उनके उद्देश्यों में शामिल है। सेकेंड है दोस्तों कि बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना, यानी कि हमेशा जो बाजार में प्रतिस्पर्धा बने रहे इस प्रकार से कोई प्लान एग्जीक्यूट ये करते रहते हैं, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। जैसे मैंने आपको बताया कि उपभोक्ताओं को जो है अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हों उसके लिए भी ये कार्य करते हैं। भारतीय बाजार में प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, यानी कि बाजार में जो कॉम्पिटिटर हैं यानी कि जो व्यापार कर रहे हैं सभी व्यक्ति, वो अपने जो है व्यापार को स्वतंत्र रूप से कर सके और वो किसी भी के जो दबाव में आकर अपने व्यापार को प्रभावित ना करे, यानी कि किसी और की उन पर जो है दबाव ना हो और वो अपने व्यापार को स्वतंत्र रूप से चलाए जिससे कि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इनके उद्देश्य समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी संरचनाएं क्या है। तो जो प्रतिस्पर्धा एक्ट लाया गया था इसके अनुसार इस आयोग में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या है 2 से कम तथा 6 से अधिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों 2 से कम नहीं हो सकती थी और 6 से ज्यादा जो है नहीं हो सकते हैं इसमें, ये उस एक्ट में लाया गया था तब दोस्तों प्रावधान था। लेकिन अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है यानी कि सीसीआई, इसका आकार में जो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, कुल जो है 7 से घटाकर एक अध्यक्ष और 3 सदस्य यानी कि टोटल 4 जो है करने को मंजूरी दे दी। यानी कि अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो एक अध्यक्ष होगा और 3 अन्य जो है सदस्य होंगे, टोटल 4 जो है इसकी जो बॉडी है स्ट्रक्चर है सीसीआई में शामिल होंगे। तो दोस्तों अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आप याद रखिए अशोक कुमार गुप्ता हैं अभी वर्तमान में अध्यक्ष, ये आप अपने फैक्ट के में याद कर लीजिए। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि सभी सदस्यों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि इनको नियुक्त करने
का काम किसको सौंपा गया, तो सरकार जो होगी वो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा काफी कुछ हम जान चुके हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं स्पेशली रूप से ये कार्य करता क्या है। इस आयोग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं कि प्रतिस्पर्धा को दुष्प्रभावित करने वाले चलन को समाप्त करना और टिकाऊ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कंपटीशन जो चल रहा है व्यापार या मार्केट में, तो उसको प्रभावित करने वाले यानी कि उसको स्वतंत्र रूप से चलाना है, तो वहां पर जो उसको चलन है यानी कि जो चल रहा है उसको अगर कोई प्रभावित न करें और उसको समाप्त करना है अगर कुछ चल रहा है, और टिकाऊ जो प्रतिस्पर्धा है यानी कि स्थायी रूप से कॉम्पिटिशन जो है बना रहे हैं मार्केट में, जिससे आसानी रूप से सभी को उसका फायदा हो, ठीक है दोस्तों, और अर्थव्यवस्था भी जो है गति करती रहे। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना यानी कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने का भी दायित्व इस पर है, और भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, जैसा मैंने आपको बता दिया है अभी, और कि किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना, यानी कि जब किसी कोई निकाय है या कोई संस्था है वहां पर जो कंपटीशन से संबंधित अगर कोई मुद्दा चल रहा है, तो वहां पर भी ये जो है अपनी राय प्रकट करता है, कि इस प्रकार से जो आयोग है वो राय प्रदान करने का भी कार्य करता है अगर कोई कंपटीशन का मामला है और वहां पर जो है उस पर चर्चा चल रही है। फिर जन जागरूकता का प्रसार करना यानी कि सभी जो भारत में जितने भी हैं व्यक्ति या फिर वहां पर जो है कोई मामला आता है जैसे, तो वहां पर जो है जितने भी उपभोक्ता हैं उनको जागरूक करना कि आप जो हैं इनसे संभल के रहें प्रतिस्पर्धा में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो है ये जन जागरूकता भी फैलाती हैं। और फिर प्रतिस्पर्धा संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना, इनके कंपटीशन को से संबंधित जो मामले हैं उनको ये प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे वीडियो का एंड, परंतु यहाँ पर मैं आपको एक मुख्य आवश्यक जानकारी देता हूँ कि जितने भी मेरे एमपीपीएससी के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल रूप से मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करता हूँ पहले, वीडियो खत्म करने से पहले, कि दोस्तों अभी जो मेंस देने वाले हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशली रूप से, कि मैंने जितने भी आयोग अभी तक बताए हैं और वहां पर जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है 11 कंपनियों पर जो सीमेंट की कंपनी है उस पर जो है इसने कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया, और अन्य भी इसके एग्जाम्पल रहे हैं जैसे कि जो बीसीसीआई था तो वहां पर भी उन पर जो है 52 करोड़ का जुर्माना लगाया था, और काफी समय से जो है ये समय समय पर जो प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए जुर्माने भी अधिरोपित करती हैं। तो इस प्रकार से अगर अगर आप मेंस के अभी 2020 में अगर होने की संभावना है मेंस, तो उसमें अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली रूप से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मैं जो आपको इन आयोगों में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है ही सही, परंतु अगर इन पर क्वेश्चन आता है मेंस में तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों कि इन आयोगों की जो उपयोगिता क्या है वर्तमान में, या फिर इन्होंने क्या कार्यवाही की है, कितनी इनकी प्रासंगिकता है, इस प्रकार से इन आयोगों के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर लिखना होगा तो अपने हिसाब से जो कुछ तथ्य हैं जैसे कि मैंने बताया, तो इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप हर आयोग पर रिसर्च कीजिए जिस प्रकार से कि इन्होंने क्या कार्यवाही की अभी तक या नहीं की है, तो उस हिसाब से अपने आंसर को तथ्यात्मक जो है पूर्ण रूप से जो है लिख पाएंगे, तो आप इतनी अपने स्तर पर जो है मेहनत जरूर कीजिए। और अगर आप एमपीपीएससी के बिगनर्स जो है विद्यार्थी हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट जो है आपने की है एमपीपीएससी हेतु, तो आप बस हमारे जो है इस पेशी अड्डा चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे हम आपको जीरो से हीरो तक जो है बनाकर ही छोड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे वीडियो का एंड होता है, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका हमारी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल पे, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।